हेलो दोस्तों, मैं हूं सौम्य रंजन नायक और आप सभी लोग को मेरे चैनल लेट स्लीप में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप विंडोज ब्राउजर में कोई भी ब्राउजर हो, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, एड्स माइक्रोसॉफ्ट एड्स हो, उसमें आप यूट्यूब एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, कुकीज, थर्ड पार्टी स्पाईवेयर एड्स, ये सारे को आपको कैसे ब्लॉक करना है इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। कौन सा एक्सटेंशन आपको यूज करना है, सबसे बेस्ट एक्सटेंशन उसको यूज करके आप ये सारे एडवर्टाइज आप बंद कर सकते हो। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी मैं क्रोम ब्राउजर मेरा खोल रहा हूँ। मैं अभी दो क्रोम ब्राउजर खोलूंगा, एक में मेरा एड ब्लॉकर इंस्टॉल है, एड गार्ड, और दूसरा में मेरा एड गार्ड इंस्टॉल नहीं है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एड ब्लॉक होता है, उसका क्या क्या सेटिंग है, कैसे क्या सेटिंग करना है, कहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी चलिए YouTube आप भी खोल के देख लेते हैं। मैं YouTube खोल रहा हूँ, चलिए कोई भी एक वीडियो प्ले करके हम देखते हैं उसमें एडवर्टाइज आता है या नहीं आता है, उसी का हम दूसरा वेब ब्राउजर में प्ले करके देखेंगे। देखिए ये वाला वीडियो को मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, देखिए एडवर्टाइज आता है या नहीं आता है। देखिए ये आपको स्क्रीन में दिखा रहा है, एडवर्टाइज दिखा रहा है। तो इसी वीडियो का हम लोग को वो जो एड ब्लॉकर इंस्टॉल है उसमें हम लोग उसको प्ले करके देखेंगे उसमें एडवर्टाइज आता है या नहीं आता है। तो चलिए इसी लिंक को हम लोग को अभी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हमारा जो एड ब्लॉकर इंस्टॉल है उसमें हम उसको पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइज नहीं है, डायरेक्ट वीडियो आपका प्ले हो गया है, यहाँ पे कोई भी आपको एडवर्टाइज नहीं दिख रहा है। चलिए दूसरा एक वीडियो आप प्ले करके देख लेते हैं। चलिए दूसरा एक हम लोग प्ले करके देखते हैं उसमें एडवर्टाइज आता है या नहीं आता है। चलिए और एक मैं दूसरा प्ले करके देखता हूँ। देखिए ये और एक गाना मैं बजा रहा हूँ, देखिए ये स्क्रीन में अभी देखिए वीडियो के ऊपर अभी देखिए प्ले हो रहा है ये एडवर्टाइज के, इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो वो कट जाएगा। इसको अगर मैं रिफ्रेश भी मार लेता हूँ देखते हैं एडवर्टाइज आता है या नहीं आता है। देखिए रिफ्रेश मार लिया तो दूसरा एक एडवर्टाइज आ गया है, तो इसमें बार बार एडवर्टाइज आता रहता है। तो चलिए इसी लिंक को मैं कॉपी करके दूसरे ब्राउजर में डालता हूँ, देखता हूँ उसमें एडवर्टाइज आता है या नहीं आता है। देखिए अभी मेरा एड ब्लॉकर ब्राउजर में मैं डाल दिया हूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइज नहीं आ रहा है, आपका वीडियो अभी आपका स्मूथली प्ले हो रहा है, कोई भी एडवर्टाइज नहीं आ रहा है। तो इसी हिसाब से आप लोग यूट्यूब में सारे एडवर्टाइज ब्लॉक कर सकते हो। ऑन स्क्रीन एडवर्टाइज हो गया, वीडियो का बीच में जो एडवर्टाइज होता है वो भी ब्लॉक होता है इसमें। अगर दोस्तों आपको एंड्रॉयड मोबाइल में एड ब्लॉक करना है तो आप मेरा फेसबुक पेज में जाइए, लेट्स हेल्प यू 2059 में पेज में विजिट कर लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा हाउ टू ब्लॉक एड्स इन यूट्यूब, आपको ये मिल जाएगा ये वीडियो। उसमें आप देख के कैसे क्या सारे प्रोसीजर मैं आपको बताया हूँ, उसमें आप देख के उसको इंस्टॉल कर दीजिए और आपको और आपका मोबाइल से जितना एडवर्टाइज है सारे को ब्लॉक कर लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग वेबसाइट में कैसे एडवर्टाइज ब्लॉक करना है उसके बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगा। अभी चलिए मैं अभी फ्री जब अलर्ट के वेबसाइट खोल रहा हूँ, देखते हैं उसमें एडवर्टाइज आता है या नहीं आता है। अभी देखिए मैं फ्री जब अलर्ट खोल रहा हूँ, देखिए ये लेफ्ट साइड में एडवर्टाइज दिखा रहा है, यहाँ पे बीच में भी एडवर्टाइज ये एडोब का, नीचे अब अगर आप जाएंगे तो उसमें भी आपको एडवर्टाइज दिखा रहा है। तो सारे जगह में आपको बहुत सारा एडवर्टाइज मिल रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे भी एडवर्टाइज है। तो इसी वेबसाइट को हम लोग वो दूसरा वाला वेब ब्राउजर में जिसमें हमारा एड ब्लॉकर इंस्टॉल है, तो चलिए लिंक को कॉपी कर लेते हैं, अभी मैं दूसरा में पेस्ट कर लेता हूँ, देखते हैं इसमें एडवर्टाइज आता है या नहीं आता है। ठीक है अभी मैं इसी ब्राउजर में खोल लिया हूँ। चलिए अभी देखिए एड ब्लॉक मेरा ब्लॉक किया, 16 एड ब्लॉक्स। नीचे देखिए कोई भी लेफ्ट साइड में कोई भी एडवर्टाइज नहीं है, नीचे भी नहीं है, कहीं भी आपको यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं मिल रहा। जो जगह में एडवर्टाइज था वो जगह पूरा ब्लैंक हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी एडवर्टाइज आपका नहीं आ रहा है। चलिए अभी हम दूसरा एक वेबसाइट देख के देख लेते हैं, एक इंडिया न्यूज़ इंडिया टुडे का एक वेबसाइट हम खोलते हैं। अभी देखिए इसमें ये मेरा एड ब्लॉकर जिसमें इंस्टॉल है इसमें मैं खोला हूँ, इसमें बिल्कुल एडवर्टाइज नहीं आ रहा है। चलिए इसी लिंक को कॉपी करके हम दूसरा ब्राउजर में पेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे एडवर्टाइज आ गया है, देखिए टॉप में एडवर्टाइज, राइट साइड में एडवर्टाइज, एडवर्टाइज में लिख रहा है ना, देखिए अभी एडवर्टाइज शो करना अपना चालू हो गया है, इस सारे जगह में आपका एडवर्टाइज आने लगा। देखिए नीचे, देखिए नीचे जाएंगे तो आप कितना बहुत सारा आपको एडवर्टाइज मिल रहा है, पर वेबसाइट आपका भरा पड़ा है एडवर्टाइज में। अगर कोई भी आप एडवर्टाइज को क्लिक करते हो ना आपको दूसरा साइड रिटर्न करते हैं, जबकि अगर एड ब्लॉक अगर ये आपका एडवर्टाइज ब्लॉक हो जाते हैं तो आप इसी स्पेस में अगर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ नहीं होता है, जो कि आपको स्पैम हो गया या दूसरा साइड को रिटर्न करने से आपको बच जाता है।
इसमें बिल्कुल एडवर्टाइज नहीं है और दूसरा ब्राउजर में पूरा भरा हुआ है एडवर्टाइज। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको AdGuard कैसे इंस्टॉल करना है गूगल क्रोम में। तो चलिए फटाफट उसको इंस्टॉल करने का प्रोसीजर देख लेते हैं। तभी आपको क्या करना है, गूगल क्रोम का राइट साइड में जो 3 डॉट है उसको क्लिक करना है, उसके बाद जाना है मोर टूल्स, उसके बाद जाना है आपको एक्सटेंशंस, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, लेफ्ट साइड जो 3 बार है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, एक्सटेंशन लिखा है, नीचे आइए, आपको दिखा रहा है ओपन गूगल क्रोम वेबस्टर, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए AdGuard, AdGuard, AdGuard जो लिखा है उसको सर्च कर लीजिए। देखिए ये पहला वाला जो आ रहा है उसी का आपको इंस्टॉल करना है, ये वाला का अभी आपको इंस्टॉल करना है। चलिए फटाफट उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या क्या बेनिफिट है, मैं आपको जैसे कि पहले से बता रहा हूँ क्या क्या बेनिफिट है, ये मैं सारे बेनिफिट आपको लिखा हुआ है, अब इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो ऐड टू क्रोम का ऊपर क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक आपका पेज खुल जाएगा। देखिए अभी मेरा इंस्टॉल हो गया, उसको अभी कैंसिल कर दीजिए। चलिए अभी मैं AdGuard का आपको सेटिंग क्या क्या करना है, कैसे क्या सेटिंग करना है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट एड ब्लॉक करने के लिए क्या क्या सेटिंग आपको करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए आप अभी एक्सटेंशन का ऊपर क्लिक कीजिए, मैं जहाँ पे अभी मार्किंग कर रहा हूँ, उसके बाद एड ब्लॉकर का ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद राइट साइड के ऊपर जो सेटिंग बटन है AdGuard का, देखिए यहाँ पे सेटिंग बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी देखिए अभी हमारा AdGuard खुल गया है, तो आपको क्या क्या सेटिंग करना मैं आपको बता देता हूँ, जो जो सेटिंग करता है आप उसी को देख के सेटिंग कर लीजिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तभी अलाउ सॉर्ट्स उसमें अभी ऑफ कर रहा हूँ, फिशिंग मालवेयर प्रोटेक्शन अभी मैं ऑन किया हूँ, उसके बाद फिल्टर जाइए, फिल्टर में एड ब्लॉकिंग, प्राइवेसी सारे का अभी आप ऑन कर लीजिए, सोशल विजेट उसको भी ऑन कीजिए, अनोयंस, सिक्योरिटी सारी चीज़ें आप ऑन कर दीजिए, नीचे वाला को रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद जाइए स्टील्थ मोड जाइए, अभी स्टील्थ मोड देखिए, स्टील्थ मोड में अभी एक जो आपका जो ट्रैकिंग करता है उसको आप बंद कर सकते हो इसमें। तो हाइड योर सर्च क्वेरीज इसको अभी ऑन कर दीजिए, सेंड वेबसाइट सिग्नल्स नॉट टू ट्रैक इसको भी ऑन कर दीजिए। कुकीज़ का जो टाइम है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि इतना टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, अगर आपको कम टाइम के बाद डिस्ट्रक्ट करना है तो आप उसको टाइम कम कर सकते हो, मिनट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ के 30 मिनट या 20 मिनट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको 30 मिनट में इसको कर दिया, ऑटोमेटिक 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। जो कुकीज़ रहता है कुकीज़ के करता है ना, आपको जो वेबसाइट आप जितना ट्रैवल करते हो ना, क्या क्या सर्च करते हो, ये आपको सारे ट्रैकिंग करते हैं। फिर आप जब दूसरा फेसबुक हो गया या दूसरा कुछ यूट्यूब हो गया, उसमें आपको एडवर्टाइज दिखाने के लिए आपको दिखाने लगते हैं ये लोग, तो इसको आप ब्लॉक कर देना है। रिमूव ट्रैकिंग परफॉर्मेंस पैरामीटर्स उसको ऑन कर दीजिए, ब्लॉक वेब एड्रेसेस उसको भी ऑन कर दीजिए। तो अभी आपका ये पूरी तरह से सेटिंग हो चुका है, इसको अभी ऑफ कर दीजिए, अभी आपका पूरी तरह से सेटिंग हो चुका है। तो अभी चलिए जो अभी इंडिया न्यूज़ का था, इंटरव्यूटी का था, उसी वेबसाइट को अभी हम लोग एक बार खोल कर देख लेते हैं, यहाँ पे अभी हमारा एडवर्टाइज ब्लॉक हुआ या नहीं हुआ है। चलिए अभी हमारा सेटिंग कम्प्लीट हो चुका है, देखिए अभी ये पेज में एडवर्टाइज है, अभी मैं उसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी हमारा एड ब्लॉकर अभी ऑन है, देखिए अभी रिफ्रेश में कर लिया हूँ, यहाँ पे सारे एडवर्टाइज आपका पेज से सारा एडवर्टाइज अभी आपका हट गया है। देखिए अभी कितना सारा एडवर्टाइज था, अभी आपका पेज पूरा ब्लैंक हो चुका है। तो इसी हिसाब से दोस्तों आप लोग फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया या कोई भी वेबसाइट हो गया, थर्ड पार्टी ब्लॉकिंग हो गया, एडवर्टाइज सारे चीज़ आप ब्लॉक कर सकते हो एक ही एक्सटेंशन के थ्रू। अभी ये तो मैं बोल दिया आपको क्रोम में कैसे इंस्टॉल करना है, तो चलिए अभी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया या फायरफॉक्स में आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ पे जाके आपको इंस्टॉल करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए अभी आप फायरफॉक्स राइट साइड 3 डॉट दिया है उसमें आपको जाना है 3 बार, उसके बाद जाना है आपको एडऑन्स एंड एक्सटेंशंस, उसके बाद जाना है आपको एक्सटेंशन जाना है, नीचे देखिए आपको दिखा रहा है AdGuard दिखा रहा है, नहीं तो आप डायरेक्ट नीचे जाके फाइंड मोर एडऑन्स का ऊपर क्लिक कीजिए, उसे आपको सर्च करने के लिए देगा, आप डायरेक्ट सर्च कर दीजिए AdGuard। अभी चलिए मैं आपको, तो उसी हिसाब से आप लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एड्स में जाकर भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, या एड ब्लॉक आप सर्च कर लीजिए जाके एक्सटेंशन में, आपका एड ब्लॉक मिल जाएगा और आपको उसी हिसाब से सेटिंग करना है। तो इस तरह से आप आपका सारे एडवर्टाइज को ब्लॉक कर सकते हो। तो अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।